चलता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। भाजपा से उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिला फैजाबाद के शहर शिकोहाबाद में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर लोगों से वोट मांगे। पूरा मामला नेहा टेंट हाउस बड़े बाजार से जुड़ा हुआ है। बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिकोहाबाद में एक गोष्ठी का किया आयोजन, उसके साथ साथ नगर शिकोहाबाद में लोगों से डोर टू डोर कैंपेनिंग, लोगों से मांगे वोट। इस शुभ अवसर पर बाजार के दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करके जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ साथ नगर की मुस्लिम महिलाओं ने भी सड़क पर जाकर थाली लेकर किया भव्य स्वागत। पूरे नगर शिकोहाबाद में जेपी नड्डा जी का भरपूर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। एक खुशी की लहर दौड़ रही थी, जैसा कि मानो जेपी नड्डा के आने से लोगों की दुख दर्द दूर हो गए हों। नारों से गूंज उठा शिकोहाबाद शहर। इसके साथ साथ जेपी नड्डा के द्वारा अनेकों अनेक प्रकार की जानकारियों के बारे में दी गई जानकारी एवं जेपी नड्डा एवं कई वरिष्ठ नेता गणों ने किया दीप प्रज्वलित। इस शुभ अवसर पर बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता गण बड़े पैमाने में मौजूद रहे। उसकी चर्चा की है, उन्होंने देश के लिए खेलने वाले, फिर चाहे ओलंपिक्स में जाने वाले लोग हों, पैरा ओलंपिक्स में जाने वाले लोग हों, सबके बारे में चर्चा करते हुए आज देश को दुनिया में स्पोर्ट्स में भी स्थापित करने की बात उन्होंने कही है और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है, ये हम जानते हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की, स्वच्छ भारत अभियान में महिला सशक्तिकरण की चर्चा की है, उन्होंने कोविड के दौरान किए गए प्रयासों की चर्चा की है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।